जलंधर में दो दिन पहले गुरुनानकपुरा में छात्र की हुई हत्या के मामले में भाजपा दो गुटों में बंट गई। छात्र हत्याकांड में भाजपा के युवा मोर्चा के नेता कृष्णलाल शर्मा ने भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया के खिलाफ प्रेस वार्ता कर उनको हत्या के लिए जिम्मेवार ठहराया। कुछ ही देर बाद जिला भाजपा प्रधान व अन्य भाजपा नेताओं ने प्रेस वार्ता कर मनोरंजन कालिया को क्लीन चिट देते हुए कृष्णलाल शर्मा को पार्टी से निष्कासित कर दिया और साथ ही कृष्णलाल शर्मा व छात्र हत्या के मुख्य आरोपी राजू औलख एक ही मंच के ऊपर की तस्वीर भी जारी कर दी। नहीं, मटर के नाल इस तरह है कि असी आज तो चार दिन पहला इतने कैंडल मार्च कढ़न आए सी। हेमराज शर्मा जी के परिवार से जानलेवा हमला किया विरोध से असी कैंडल मार्च इतने इस इलाके कढ़न आए सी। जिन्हां जिन्हां नौजवानों ने कतल किया है और राजू औलख और काका ये भी नाल मौजूद सी, नाल मंडल युवा मोर्चा का प्रधान वैपन उन्होंने लगे सी, नाल सारा महला गवाह है। वो पुलिस की सतनाम सिंह के नाल आके वो धमकियां देने लग पे इलाका निवासियों को, असी भावें कतल भी कर दईए कि सानू कोई साढ़े मगर एक लीडर हैगा उहदा नाम है मनोरंजन कालिया, तो साडा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। असी पुलिस नू बेवास हो गए कि इन्हां नू साडे नाल हमला करन लई लियाए उह नाल उहदी जलंधर ने मैनू बहुत प्यार दिता, बहुत सम्मान दिता। मैं जलंधर का ऋणी हाँ, लोगों का ऋणी हाँ, तुम दसो मैं काम कर सकता यार? इल्जाम लाना, झूठा इल्जाम लाना कोई लिमिट होंगी? अगर मैं तो सारी गल कही है जो कह, इट्स ए डेफिमेटली लीगल एक्शन विल बी टेकन। जलंधर से अजाट टीवी न्यूज के लिए विक्की कंबोज की रिपोर्ट।